ओम शांति, बोलिए ओम शांति। शांत मन हो गया, शांति आई है तो खुशी भी आ जाती है साथ में। एक अगर अच्छा फ्रेंड आता है ना तो उसके साथ चार अच्छे फ्रेंड भी आ जाते हैं, और एक अगर बुरा दोस्त आए तो उसके चार बुरे दोस्त भी आ जाते हैं। शांति आई तो खुशी भी आ जाएगी, प्रेम भी आ जाएगा, पवित्रता भी आ जाएगी, सब अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर क्या कहते, ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, कहते भी ना शांत मन से सोचो, अच्छा सोचेंगे तो शांत मन से सुनो, तो जो सुनेंगे ना वो अंदर धारण होता जाएगा। वैल्यू किसकी है, धारणा की वैल्यू। तो आज मैं वैल्यू और कहानी पर सुना रही हूँ। कहानी बच्चों को पसंद आती है ना, हम भी भगवान के कौन हैं, बच्चे हैं। हम बच्चों को भी कहानी बहुत पसंद आती है, कहानी में बहुत सीख होती है। एक मूर्तिकार था, उसने तीन मूर्तियां बनाई और तीनों मूर्तियां सेम बनाई। उसने उस तीनों मूर्तियों को बेचने के लिए मार्केट में रख दिया और तीनों की कीमत डिफरेंट डिफरेंट थी। एक मूर्ति की कीमत 100 रुपए, एक की 500 रुपए और एक की 1000 रुपए। तीनों मूर्तियों की कीमत अलग अलग, लेकिन मूर्तियां सेम दिखने में लग रही थी। और उसने उस मूर्ति को कैसे बनाया था, एक मूर्ति कि एक नली डाली थी, जो एक कान से नली डाली थी, दूसरे कान से निकाली थी, और दूसरी मूर्ति जो बनाई थी 500 जिसकी कीमत थी, उसने उसको कान से डाला था और मुख से निकाला था, और तीसरी जो 1000 रुपये की मूर्ति बनाई थी, उसने वो मूर्ति वो कान से डाला था और पेट से निकाला था। तो जो पर कीमत अंतर क्यों है, उस चित्रकार से पूछा तो उसने कीमत का फर्क बताया कि क्या फर्क था। एक मूर्ति वो थी जो एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से क्या करती थी, निकाल देती थी, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 100 रुपया थी। और दूसरी मूर्ति जो कान से सुनती थी और मुख से सुनाती थी, उसकी कीमत कितनी थी, 500 रुपये। और एक मूर्ति वो थी जो कान से सुनती थी और पेट मना धारण करती थी, जो सुनती थी समाती थी, उसको क्या करती थी, अंदर धारण करती थी, उसकी मूर्ति की कीमत कितनी थी, 1000 रुपया, वैल्यूबल थी। हम भी जो ये ज्ञान सुन रहे हैं ना, इसको साधारण नहीं समझना, बहुत वैल्यूबल ज्ञान है। ये इसलिए वैल्यूबल ज्ञान है कि हमारी आत्मा की वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ा देगा।